हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। अभी हम मौजूद है बिलासपुर जंक्शन। तो यहाँ पर जो ट्रेन का टाइम था खड़गपुर से जो जा रहा था, जो मुंबई CSMT वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसका टाइम था कल रात 1:15 में, लेकिन ये 10 घंटा 32 मिनट के बाद पहुँचा, मतलब 10 घंटा 32 मिनट लेट था, उसके बाद पहुँचा बिलासपुर जंक्शन। अभी आप देखिए, ये है हावड़ा मुंबई CSMT वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये है AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास का कोचेस, ये देखिए AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास का कोचेस। इसका कोच के अंदर क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलता है, चलिए देखा। ये है जाने का गेट, कैसे जाने के बाद ऊपर, ये देखिए डोर है ये, और ये डोर ऐसे जैसे स्लाइड खुलता है। ये अंदर का नज़ारा है, अभी बाहर में क्या क्या है दिखाते हैं। ये जो आपका है इलेक्ट्रिक पैनल का है, और यहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, एक और एक तो कैमरा बेसिन की तरफ लगा हुआ है। ये है सामने बेसिन, लेकिन इसका जो बेसिन का जो पानी आता है ऐसे नहीं आता है, सेंसर वगैरह कुछ लगा नहीं। इसका नीचे जो है पुश बटन है, तो पुश बटन ऐसे पाए से दबाने से ये पानी आता है। और इसका जो बाथरूम का पोजीशन है ये है, देखिए अंदर का कुछ नज़ारा, ये देखिए ये है स्नान करने का जो सामान रखते हैं यहाँ पर रखा जाता है। ये हैंड वॉश दिया हुआ है, और एक ये है शीशा, और यहाँ पर भी एक बेसिन है। इसका भी पानी ऐसे नहीं आएगा, लोग सोचता है कि सेंसर लगा हुआ है हाथ देता है, लेकिन पानी नहीं आता। यहाँ पर जो नीचे जो पुश बटन है इसको दबा के फिर यहाँ से पानी मिलता है। दूसरा और एक टॉयलेट जहाँ पर घूमर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक बेसिन है, यहाँ पर भी एक शीशा है। बस ये जो है इलेक्ट्रिक पैनल का, मतलब कोच के अंदर लाइट AC पूरा इधर से कंट्रोल होता है, पूरा रिलेन पैनल बैठा हुआ है, MCB वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अभी ट्रेन रुका बिलासपुर में, देख पा रहे हैं आप लोग नज़ारा बिलासपुर जंक्शन। अभी चलते हैं कोच के अंदर, चलिए दिखाते हैं। ये है स्लाइड, चलिए अंदर, ये देखिए। ये है 3rd AC का कोच पोजीशन। जैसे आपको 3rd टायर AC में मिलता है, लोअर मिडिल बार एक अपर बार, ऐसे में भी यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसका जो खूबसूरती है बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग। और साइड अपर और साइड लोअर के भी व्यू दिखाते हैं। ये है साइड लोअर और ये है साइड अपर, लेकिन आपको सोने के लिए रात में तकिया और उड़ने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, आपको खुद वो कैरी करना पड़ता है। देखिए इस कोच का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। ये जो है एडवांटेज क्या है, एक एक इंडिविजुअल AC दिया हुआ है, AC वेंट, ये देखिए एक AC वेंट दिया हुआ है आपका सामने, और एक तो पीछे रहता है एक AC वेंट साइड अपर का, और देख पा रहे होंगे, और पूरा जो वेंट है कोच का ये, और इधर से एक जो है ये आपका एक लाइट दिया हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए, देखिए। और यहाँ पर एक बोतल होल्डर है जो फर्स्ट टाइम ऐसे रहता है, लॉक हो जाता है, उसके बाद फिर इसको ऐसे उठा के बस बोतल रख दीजिए। और दूसरा जिसका डिसएडवांटेज का जो पॉइंट था, ये है चार्जिंग का, ये देखिए यहाँ पर आपका जो चार्जर है वो आप मैनुअली नहीं लगा सकते, इसका जो एडाप्टर है वही आप लगा सकते हैं, जो केबल है, लेकिन इसका जो आउटपुट है बहुत कम है, बहुत मतलब इमरजेंसी चार्जिंग नहीं कर सकते हम, लगा के देखे तो बहुत टाइम ले रहा है, तो इसका यही एक डिसएडवांटेज पॉइंट है, अच्छा नहीं लगा हमको।
दूसरा जो है साइड लोअर अपर और मिडिल वार के मिडिल में ही देखिए चार्जिंग का प्लग दिया हुआ। इसका भी एक एक इंडिविजुअल लाइट है और बोतल होल्डर है, लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन इसका एक जो है सॉकेट भी दिया हुआ है, ये अच्छा बात है। और ये देखिए बिलासपुर छोड़ के अभी जा रहा है मुंबई के तरफ, जो हावड़ा मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इसका और एक एडवांटेज का पॉइंट है जो आप दो लाइट देख रहे हैं, एक ग्रीन और एक रेड। जो ग्रीन है मतलब ये अभी एक टॉयलेट खाली है और एक टॉयलेट फिलअप है, मतलब कि वैकेंट है और एक फिलअप है। तो मतलब आप लोग कोच से बैठे हुए देख सकते हैं कि अभी टॉयलेट खाली है कि नहीं, ये इसका एक अच्छा दिया है पोजीशन। तो ये था AC 3 इकोनॉमिक कोचेस का ओवरव्यू। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।